तो आज हमारे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन को पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो बोला क्या है, चेक विदर एक्स एंड वाई इज वेरी इनवर्सली और नॉट। ये जो तीनों टेबल दिया गया है इसमें से तीनों में से कौन सा इनवर्सली वेरिएशन में है, कौन सा इनवर्सली वेरिएशन में नहीं है, ठीक है। अगर जिसे नहीं पता है इनवर्स वेरिएशन क्या होता है, मैंने इस चैप्टर मतलब चैप्टर नंबर 10 का इंट्रोडक्शन लेक्चर जो है इस चैनल पे डाल दिया है, आप उस पर जाके क्लिक कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। और मैं इंट्रोडक्शन लेक्चर का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो आइए जल्दी जल्दी शॉर्ट में भी जान लेते हैं कि इनवर्स वेरिएशन क्या होता है। अगर आपको इनवर्स वेरिएशन जानना होगा तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है, ठीक है। तो उसमें टू क्वांटिटी की जरूरत होती है। डीवी का मतलब हम मान लेते हैं डायरेक्ट वेरिएशन, और आईवी का मतलब हम मान लेते हैं इनवर्स वेरिएशन, ठीक है। डायरेक्ट वेरिएशन में क्या होता था कि अगर हमें 5 kg जो है आलू अगर 100 रुपीज में मिल रहा है तो 10 kg आलू कितने मिलेगा, 10 kg आलू मिलेगा 200 रुपीज में, ठीक है। मतलब ये कि टू क्वांटिटी है, या फर्स्ट क्वांटिटी है या सेकेंड क्वांटिटी है। ये जो है 5 kg जो है 100 रुपीज में मिल रहा था, अगर इसको हमने बढ़ाया 5 kg की जगह 10 किया तो ये वाला भी बढ़ गया, ये वाला 100 से 200 हो गया, ठीक है। तो ये है डायरेक्ट वेरिएशन। इसमें क्या होता है, डायरेक्ट वेरिएशन में एक बढ़ता है तो दूसरे को भी बढ़ा देता है, ठीक है। ये शॉर्ट में हम समझा रहे हैं कि डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है, बट इनवर्स वेरिएशन में उसका उल्टा होता है, ठीक है। इसमें कहा, इसमें इनवर्स वेरिएशन कहां पे काम करता है, इनवर्स वेरिएशन सिर्फ टाइम एंड वर्क पे काम करता है। किस पे, टाइम एंड वर्क पे इनवर्स वेरिएशन, सिर्फ इनवर्स वेरिएशन टाइम एंड वर्क पे ही काम करता है, ठीक है। तो इनवर्स वेरिएशन जान लेते हैं क्या होता है। जैसे हम टू क्वांटिटी ले लेते हैं, जैसे अगर 10 वर्कर, ठीक है, अगर 10 वर्कर किसी काम को कितने डे में, 100 डे में अगर कर रहे हैं, 100 डे में कर रहे हैं, 10 वर्कर किसी काम को अगर 100 डे में कर रहे हैं, तो अगर हम वर्कर को बढ़ा देते हैं, वर्कर 10 के जगह अगर हम 20 कर देते हैं, तो काम कितने दिन में हो जाएगा, काम जल्दी हो जाएगा, वर्कर बढ़ गए हैं तो काम जल्दी हो जाएगा, तो 100 के जगह 50 डे में हो जाएगा, ठीक है। बट इसमें क्या हो रहा है, इसमें यह हो रहा है कि हमने जो है क्वांटिटी को चेंज किया, अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट जा रहा है। पहले 10 था और 100 था, हमने इसको बढ़ाया, हमने इस 10 के जगह 20 किया, तो ये बढ़ने की जगह ये उल्टा घट गया, ठीक है। तो ये होता है, ये डायरेक्ट वेरिएशन। इसमें एक बढ़ता है दूसरा बढ़ गया, मतलब 5 10 हुआ तो दूसरे वाली क्वांटिटी 200 हो गई। इसमें 10 और 100 था, ये 20 हुआ तो ये 100 ये बढ़ने की जगह घट गया, ये मतलब इनवर्स हो गया, उल्टा हो गया। तो ये है इनवर्स वेरिएशन। इनवर्स वेरिएशन कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। इनवर्स वेरिएशन में एक क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरा वाला घटता है, ठीक है, अगर एक घटता है तो दूसरा वाला बढ़ जाता है, ठीक है। ये देखो, ये अगर इसको उल्टा समझ लें, अगर 100 डे में कोई वर्क, 100 के जगह इसको हमने 50 किया, तो ये जो है ये 10 के जगह उल्टा बढ़ गया, 20 हो गया, ठीक है। तो ये होता है इनवर्स वेरिएशन। शॉर्ट में हमने समझा दिया कि इनवर्स वेरिएशन डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है, ठीक है। इनवर्स वेरिएशन हमेशा काम करता है टाइम एंड वर्क पे, ठीक है। अब शॉर्ट में समझा दिया, जिसको डिटेल्स में समझना है वो जाके जो है इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन लेक्चर को जाके क्लिक करके देख सकता है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको ये लेक्चर मिल जाएगा, ठीक है। तो हम सीधे सीधे समझते हैं फर्स्ट वाला, ठीक है। इसमें है हर x और y, ऊपर वाला क्या है, सभी x है, और नीचे वाला सभी क्या है, y है। तो ये x है तो इसको हम x1 x2 x3 x4 मान सकते हैं, ये y है तो इसको y1 y2 y3 y4 मान सकते हैं, चाहिए तो हम लिख भी सकते हैं x1 x2 x3 x4। बुक में ऐसा नहीं लिखा रहेगा लेकिन हम लिख देते हैं, ठीक है। और इसको हम y1 y2 y3 y4
ठीक है, ये है तो वाई वाला है, तो सभी जब अलग अलग टाइम है तो उतने टाइम हम लिख देते हैं, वाई वन वाई टू वाई थ्री वाई फोर, ठीक है हमने लिख दिया। ठीक है, अगर इसको हमें इनवर्स वेरिएशन में अगर दिखाना होगा, दिखाना क्या होगा, अगर ये होगा, अगर ये इनवर्स वेरिएशन में होगा तो एक्स और वाई की वैल्यू हमेशा कॉन्स्टेंट आएगी। अब कैसे कॉन्स्टेंट आएगी हम सॉल्व करेंगे तब आपको पता चलेगा कॉन्स्टेंट आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, एक्स वन वाई वन इक्वल टू एक्स टू वाई टू इक्वल टू एक्स थ्री वाई थ्री। ठीक है, यहां जो है एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू एक्स थ्री वाई थ्री कितने हैं, एक दो तीन चार, एक्स फोर भी है। ठीक है, और इक्वल टू एक्स फोर वाई फोर, यहां जो है एक्स वन वाई वन की वैल्यू बराबर एक्स टू वाई टू के बराबर एक्स थ्री वाई थ्री के, मतलब सभी की वैल्यू अगर बराबर आएगी तो ये जो है जो टेबल है इनवर्सली वेरी करेगा। ठीक है, तो हम नीचे लिखेंगे एक्स वाई, एक्स एंड वाई वेरी इनवर्सली, देखते हैं वेरी करता है कि नहीं करता है। ठीक है, तो हम निकालते हैं एक्स वन वाई वन की वैल्यू। ठीक है, तो एक्स वन की जगह फोर है और वाई वन की जगह है सिक्स है, तो यहां आया है चार छह चौबीस। ठीक है, अब इसकी निकालते हैं एक्स टू वाई टू की वैल्यू निकालते हैं, यहां थ्री है यहां एट है, तो एट इंटू थ्री है, नहीं थ्री इंटू एट है, थ्री इंटू एट यहां भी ट्वेंटी फोर आया है, ये निकल गया ये निकल गया। अब इसको निकालते हैं एक्स थ्री वाई थ्री। ठीक है, तो एक्स थ्री की जगह ट्वेल्व है और एक्स एक्स वाई थ्री की जगह टू है, ट्वेंटी फोर यहां भी आया है। अब पारी है एक्स फोर वाई फोर की, क्या है वन है एक्स फोर की जगह, वाई फोर की जगह है ट्वेंटी फोर, यहां भी ट्वेंटी फोर आया है। ठीक है, तो क्या अब हम लिख सकते हैं कि हर जगह 24, 24, 24, 24 आया हुआ है। ठीक है, इस टेबल में जो है x और y की जितनी भी वैल्यू है 24 आई है, मतलब क्या है कॉन्स्टेंट है, ये जितनी भी वैल्यू है कॉन्स्टेंट है। ठीक है, यहां हम सिर्फ ऐसे लिख रहे हैं, कॉपी में आपको ऐसा नहीं लिखना है, ये हम समझाने के लिए सिर्फ लिख रहे हैं कि ये सभी वैल्यू बराबर आई है, मतलब कॉन्स्टेंट आई है, वैल्यू चेंज नहीं हुई है। अगर वैल्यू चेंज हो जाती तो कॉन्स्टेंट नहीं होता, वैल्यू नहीं चेंज हुई है इसका मतलब ये कॉन्स्टेंट है। और हम सीधे सीधे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एक्स एंड वाई वेरी इनवर्सली। ठीक है, इनवर्सली, ठीक है, ये है तो ये फर्स्ट वाला क्या है, एक इनवर्स वेरिएशन है। ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड को। ठीक है, तो सेकंड में यहां भी वही होगा जैसे ऊपर था, ये एक्स है तो एक्स वन रहेगा, एक्स टू रहेगा, एक्स थ्री रहेगा, एक्स फोर रहेगा, इसी तरीके से वाई वन वाई टू वाई थ्री वाई फोर रहेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स वन एक्स वन y1 को निकालेंगे, x1 y1, तो x1 y1 क्या है, x1 y1 मतलब होता है, x1 का मतलब है 30 और जो है y1 का मतलब होता है 60, कितना हो गया 36 18 हो गया और डबल जीरो। ठीक है, और x1 y1 x2 y2, x2 y2 मतलब क्या हो गया 120 इंटू 30, एक्स टू ये है वाई टू ये है, 120 और 30, 36 हो गया, डबल जीरो ये लग गया। ठीक है, और एक्स फोर एक्स थ्री वाई थ्री क्या है, ये 60 है ये 30 है, ये 60 इंटू 30 कितना होगा, 63 था 18 हो गया, डबल जीरो हो गया। ठीक है, और x3 हो गया, अब x4 की पारी है, x4 y4, x4 y4 क्या है 24 इंटू 75 है। ठीक है, तो 24 75 का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 75 24 75 दूनी 150 दूनी 300, ठीक है, और 150 008 हो गया, ये 1800 हो गया, है ना 1800 हो गया। ठीक है, तो अब देखिएगा ये इनवर्स वेरिएशन तब होगा जब ये
एक्स और वाई की वैल्यू हर जगह जो है कॉन्स्टेंट रहेगी, बट आप ध्यान दीजिए यहां जो है एक्स और वाई की वैल्यू यहां 1800 है, यहां 3600 है, यहां 1800, यहां 1800, तीन जगह तो एक ही जैसा है, सेम है, कॉन्स्टेंट है, बट ये वाला जो है कॉन्स्टेंट नहीं है। तो ये हम कह सकते हैं कि एक्स एंड वाई आर नॉट इन वेरिएशन, नहीं अभी ऐसे लिखना है x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। अब इक्वल टू रहेगा कि नहीं, इक्वल रहेगा कि नहीं, इक्वल नहीं रहेगा, क्यों? क्योंकि यहां 1800 है, यहां 3600 है, ठीक है, तो यहां वाला इक्वल रहेगा, यहां x3 y3 ये भी नहीं इक्वल रहेगा, यह 3600 यहां 18 है, यह भी नहीं इक्वल रहेगा, ठीक है, बट ये वाला इक्वल रहेगा, यहां 1800 यहां 1800 है, तो ये है x4 y4, तो ये इक्वल रहेगा, ठीक है। हम लिख सकते हैं x एंड y इज नॉट वेरी इनवर्सली, इज नॉट वेरी इनवर्सली, ठीक है, यह है सेकेंड वाले का आंसर, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट नहीं है, अलग अलग है, या तो सभी जगह 1800 होता तो ये कॉन्स्टेंट होता तो इनवर्सली वेरी करता, लेकिन इनवर्सली वेरी नहीं कर रहा है, ठीक है। अब हम सॉल्व करेंगे थर्ड वाला, इसको देखते हैं ये इनवर्स वेरिएशन में है या नहीं, अगर यहां एक्स और वाई की वैल्यू अगर कॉन्स्टेंट होगी तो इनवर्स वेरिएशन में रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा, ठीक है, सॉल्व करते हैं। इसी तरीके से सभी है, ऊपर वाला सभी x है, नीचे वाला सभी है y, तो x1 x2 x3 x4, और नीचे वाला सभी y1 y2 y3 y4 रहेगा, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं x1 y1, ये x1 है, ये y1 है, तो क्या लिखें, 10 into 90, ठीक है, हो गया 19 9 20, ठीक है, ये हो गया। और x2 y2, ये है x2, ये y2, ठीक है, ये 30 into 30 है, ठीक है, 3 3 9 00, और ये है x3 y3 क्या है, 60 into 20, 1200, ठीक है, सही है ना, 6 6 12 00, ठीक है। और x4 y4 इक्वल टू है 10 into 90, ये हो गया 19 9 00, ठीक है। तो ऊपर से लेके नीचे तक, यहां से x1 से लेके x4, मतलब x1 y1 ऊपर से लेके नीचे तक देखिए, कहीं भी यहां 900 900 900, बट यहां चेंज हो गया है, तो ये जो है कॉन्स्टेंट, x और y की वैल्यू कॉन्स्टेंट नहीं है। तो हम बोल सकते हैं, बोल क्या सकते हैं, लिख सकते हैं x1 y1 is not equal to x2 y2 is not equal to x3 y3 is not equal to x4 y4, ठीक है, यहां इक्वल है, फिर यहां इक्वल नहीं है, फिर यहां भी इक्वल नहीं है, ठीक है, ये है। तो हम लिख सकते हैं x and y do not vary inversely, ठीक है। तो आज मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन को पढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इफ x एंड y वेरी इनवर्सली, फाइंड द वैल्यू ऑफ l, m एंड n, जो ये जो टेबल बना हुआ है इसमें x और y अगर इनवर्सली वेरी कर रहे हैं, मतलब इनवर्स वेरिएशन में हैं, तो हमें l, m, n, दूसरे वाले में भी l, m, n की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब सोचने वाली बात नहीं, इसमें
हमें सिर्फ एल एम एन की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अवेरी करे या ना करे हमें उससे नहीं लेना देना, हमें सिर्फ मान लेना है कि ये इनवर्सली वेरी कर रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट कर सॉल्व करते हैं फर्स्ट वाला, ठीक है, हम सीधे सीधे मान लेंगे, अब करे या ना करे ये इसकी मर्जी, ठीक है, सीधे सीधे मान लेते हैं ये इनवर्सली वेरी कर रहा है, ठीक है। एफ एन वाई वेरी इनवर्सली, ठीक है, हमने मान लिया। अब जब इनवर्सली वेरी करेगा तो x और y की वैल्यू हमेशा इक्वल होनी चाहिए, ये भी मान लेते हैं, ठीक है। x1 y1 की वैल्यू है इक्वल है x2 y2 के, ठीक है। यहां ऊपर वाला जितना है सभी x है, नीचे वाला जितना है सभी y है, ठीक है। तो इस तरीके से ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये है x4, ये y1 है, ये y2 है, ये y3 है, ये है y4, ठीक है, ठीक है। इनवर्सली वेरी करने का मतलब x और y की वैल्यू हमेशा इक्वल आनी चाहिए, और इक्वल आए या ना आए हमें उससे नहीं मतलब, हमें एल एम एन की वैल्यू निकालने से मतलब है। हम सिर्फ मान लेते हैं इक्वल है, इसकी मर्जी इक्वल हो या ना हो, ठीक है, तो हम सिर्फ मान ही लेते हैं। तो x2 y2 इक्वल टू x3 y3 इक्वल टू x4 y4, ठीक है। यहां तक तो हमने किया, हमने मान लिया, जब हमने मान लिया तो इनवर्सली वेरी करेगा ही, ठीक है। अब हमें क्या करना है, x1 y1 कहां है ढूंढना है, ये x1 है हमने बताया, ये y1 है, मतलब x1 into y1 इक्वल टू x2 y2, x2 कहां है, ये x2 है, ये y2 है, मतलब 8 into y2 की जगह है l, ये y है, ठीक है, y2 की जगह है यहां l। बुक में ऐसे नहीं लिख के बताएगा बाबू, हम ही सिर्फ बता रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। और x3 y3, x3 की जगह है 2, y3 की जगह है m, इक्वल टू x4 की जगह है 32 और y4 की जगह है n, ठीक है। तो हम करते हैं सॉल्व, ये है 16 इक्वल टू 8 इंटू एल मतलब 8l, इक्वल टू 2 इंटू m मतलब 2m, इक्वल टू 32, n इक्वल टू मतलब 32n, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिएगा, यहां से ध्यान देने वाली बात है, जो यहां से ध्यान देगा उसको आगे समझ में आएगा, ठीक है। यहां है 16 इक्वल टू 8l इक्वल टू 2m इक्वल टू 32n, मतलब समझिएगा, 16 के इक्वल 8l है, 16 के इक्वल 2m है, 16 के इक्वल 32n है, मतलब सभी 8l 2m 32n सभी 16 के इक्वल है। अगर हम सभी को बारी बारी से सॉल्व करें, फर्स्ट सेकंड थर्ड मानकर, इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं, ये भी बुक में ऐसे नहीं बताया रहेगा, हम ही सिर्फ बता रहे हैं, ठीक है। हम मान लेते हैं 16 इक्वल टू 8l, ठीक है, मान लेते हैं, सॉल्व करते हैं। तो l की वैल्यू हमें निकालनी है, तो l को हम सामने लेके आते हैं, l की इक्वल क्या है 16 है, और 16 की इक्वल क्या है 8 है, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, 8 टू द 16 होता है, l की वैल्यू आ गई है 2, ठीक है, l की वैल्यू 2 आ गई है, मतलब यहां l यहां 2 भरा जाएगा। अब सेकंड वाला सॉल्व करते हैं, सेकंड वाला है 16 के इक्वल 2m, 16 इक्वल टू 2m है ना, 16 की इक्वल 8l, 16 की इक्वल 2m, सॉल्व करते हैं, हमें m की वैल्यू लानी है, तो m को हम सामने लेके आते हैं, m के इक्वल है 16, 16 के इक्वल है 2, तो ये जाएगा 8, तो आ गया है m इक्वल टू 8। ये सॉल्व हुआ, ये सॉल्व हुआ, अब इसकी बारी है, ये भी 16 के इक्वल है ना, 16 इज इक्वल टू 32n, ये सेकेंड वाला है, ये बुक में नहीं बताया है, यहां भी सिर्फ हम ही बता रहे हैं, ठीक है। 16 इक्वल टू 32n है ना, अब n की वैल्यू निकालनी है, तो इसको सामने लेके आना पड़ेगा, ठीक है,
तो n की वैल्यू निकालने सामने लेके आना पड़ेगा। n के इक्वल है 16 और 16 के इक्वल है 32, ठीक है। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा आंसर 0.5। अगर डायरेक्ट नहीं समझ में आ रहा है तो इसको और सॉल्व कर देते हैं। इसका 2 से डिवाइड करेंगे 8 आएगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे 16 आएगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे 8 आएगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा। अब 1 इज डिवाइडेड बाई 2 मतलब क्या होता है, 1 को 2 से डिवाइड करेंगे 0.5 आएगा, ठीक है। तो हम इक्वल में लिख सकते हैं 0.5, एन इक्वल टू 0.5, ठीक है। एम इक्वल टू 8 और एल इक्वल टू 2, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं एल इक्वल टू 2 कॉमा एम इक्वल टू 8 कॉमा एन इक्वल टू, तो इसलिए कटाऊ बन गया, एन इक्वल टू 0.5, ठीक है। ये है सभी की अलग अलग वैल्यू, देख लीजिए। अब हम सॉल्व करेंगे सेकेंड वाला क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड, ठीक है। सब कुछ वैसे ही रहेगा, इसलिए हमने इतने को नहीं मिटाया है। एक्स एंड वाई वेरी इनवर्सली और सभी एक्स और वाई की वैल्यू इस तरीके से रहेगी, ठीक है। तो सब कुछ लिख देते हैं, ये सभी वाला ऊपर वाला एक्स है, नीचे वाला सभी वाई है। इस तरीके से एक्स वन वाई वन एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर जैसे ऊपर था, और वाई वन वाई टू वाई थ्री वाई फोर इस तरीके से रहेगा, ठीक है। अगर जिसको अभी भी नहीं समझ में आता है, मेरी तरह एकदम बुद्धिहीन है, तो उसके लिए ठीक है, ये नीचे वाला सभी है वाई वन वाई टू वाई थ्री वाई फोर, ठीक है, ये सब। और ऊपर वाला जितना है एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर, जो जो मेरी तरीके से आधे दिमाग का है उसके लिए है ये क्वेश्चन, ठीक है। देख लीजिएगा, तो x1 y1 कहां है, x1 y1, x1 की जगह 24, y1 की जगह l है, x2 की जगह 32, y2 की जगह 12 है, x3 की जगह m है, x3 की जगह m है, y3 की जगह 8 है, और x4 की जगह 16 है, और x4 y4 की जगह n है, ठीक है। अब इसको करते हैं सॉल्व, देखते हैं क्या होता है। ये हो जाएगा 24l इक्वल टू, ये हो जाएगा 32 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, 32 दूना 64 हो गया, 32 हो गया, 4 हो गया, 6 दू 8 हो गया, 384 हो जाएगा, ठीक है, सही है, सही 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 सही, 4 6 2 8 3 384 हो जाएगा, है ना। इक्वल टू m इंटू 8 मतलब m 8 इक्वल टू 6 इंटू n मतलब 16n, ठीक है, ये है। तो ये 4 भैया 384, तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहां देखिए 24 के इक्वल है 384 के इक्वल है m 8, m 8 इक्वल है 16n, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, अब इसके इक्वल सभी है, मतलब इसके भी इक्वल सभी है, इसके भी इक्वल सभी है, इसके भी इक्वल सभी है, तो हम सभी को 384 के इक्वल रख सकते हैं, इसको 384 के इक्वल इसको रख सकते हैं, 384 को इक्वल इसको रख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे इसके इसके बारे में रखा था फर्स्ट टाइम, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं सभी के लिए, इसको मान लेते हैं फर्स्ट फर्स्ट, ठीक है, ऐसे बुक में नहीं लिखा रहेगा, ये मुझे ये कीड़ी काट रही है कि हम लिख रहे हैं, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं 24l इक्वल टू 384, देख लिया। हमें क्या निकालना है, l की वैल्यू निकालनी है, तो l को सामने लेके आते हैं, l इक्वल टू 384 आया है, 384 डिवाइडेड बाई 24 24। अब इस ये जो है 2 से डिवाइड होगा, कितना आएगा, 2 वन जा 2 1 बचेगा, 2 9 जा 18 दूनवा 18
ठीक है, 2 9 18, 2 2 4, ये 12 आ जाएगा, ये आ जाएगा 12 1 12, 12 6 72, 12 1 12, 12 12 में से 7 निकलेगा, 12 7 19 होता है, ये 72, 12 6 72, 16 आएगा, L इक्वल टू आएगा 16, तो यहां हम लिख सकते हैं L इक्वल टू 16, है ना। अब इस 384 के इक्वल M8 को भी रख सकते हैं, 384 इक्वल टू M8, L की वैल्यू आ चुकी है, हमें M की वैल्यू निकालनी है, तो M इक्वल टू 384, 384 डिवाइडेड बाई 8, इसको डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा, 8 4 32, 8 5 40, 8 4 32, 32 6, 64, 8 8 64, ठीक है, 8 4 32 6 38 6 64, ठीक है, 8 8 64, ये सेकेंड वाला है, ये थर्ड वाला, 384 के इक्वल 16n, 384 के इक्वल 16n, n की वैल्यू हमें निकालनी है, तो n को सामने लेके आएंगे, n के इक्वल है 384, 384 के इक्वल है 16, ठीक है, तो सॉल्व करते हैं, 16 2 जा 32, 32 6 कितना हो जाएगा, 32 16 64, ठीक है, 24 आएगा, n इक्वल टू 24, तो यहां L की, यहां M की वैल्यू 8 है, 48 है, 48, ठीक है, तो यहां I है, तो हम लिख सकते हैं L इक्वल टू 16, M इक्वल टू 48, कॉमा N इक्वल टू 24, तो ये है L, M, N की अलग अलग वैल्यू, देख लीजिए। तो आ जाओ मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करते हैं, समझना से शुरू करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो बोला गया है 36 men can do a piece of work in 7 days. How many men will do the same work in 42 days? भाई क्वेश्चन पढ़ो ना, क्वेश्चन पढ़ने के बाद ऐसी तसल्ली होती है, ऐसी तसल्ली होती है, ऐसा लगता है कि अगर हम किसी लेबर को, अगर ज्यादा लेबर को ज्यादा लगा देंगे तो हमें लगता है काम जल्दी हो जाएगा, बट ऐसा जनरली ऐसा होता नहीं है, सिर्फ मैथ में ऐसा होता है, कैलकुलेशन कर लेते हैं खटाक से कि कम आदमी लगे हुए हैं तो काम लेट हो रहा है, आदमी ज्यादा लगे हुए हैं तो काम जल्दी हो रहा है, बट ऐसा नहीं होता बाबू, हमने जो है ज्यादा वर्कर को लगा लिया तो ऐसा लगता, कभी कभी ऐसा होता है कोई वर्कर जो है कोने में जाके ऐसा कर करके सूती बना रहा होता है, और कोई जाके जो है दूसरी जगह कोने में बैठ के ऐसे आराम कर रहा होता है, तो ऐसा नहीं होता जनरली, सिर्फ मैथ में ही ऐसा होता है कि जो है ज्यादा वर्कर लगा दिए काम जल्दी हो गया, कम वर्कर लगाए ढीला हो रहा है, भाई किसी भी कंडीशन में अगर लेबर काम करना नहीं चाहेगा लेबर ढीला होगा, ज्यादा लेबर लगाने से कोई फायदा नहीं, तो सिर्फ मैथ में ही पढ़ लो समझ लो कि ज्यादा वर्कर लगाने से काम जल्दी होगा, ऐसा कुछ नहीं होता, समा ठीक है, पढ़ लो समझ लो, सिर्फ थ्योरी है ये, ठीक यही होगा ये सब, तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो ये है वेरिएशन दिखाना है ना, इनवर्स वेरिएशन, तो टेबल बनाना पर जरूरी है, तो हम यहां बना लेते हैं, यहां मेन है, कितने मेन है और मेन कितने डे में काम कर रहे हैं, डे डी ए वाई, सॉरी हमेशा बार बार डी वाई लिख रहे हैं, ठीक है, तो देखो भाई मेन कितने हैं, 36 मेन है, कितने डे में काम कर रहे हैं, 7 डे में, है ना, इसको मेन को हम एक्स मान लेते हैं, डे को हम वाई मान लेते हैं, ठीक है,
जब 36 मैन किसी काम को 7 डे में कर रहे हैं तो 42 डे में काम करवाने के लिए कितने मैन की जरूरत पड़ेगी। तो मतलब ये ऊपर वाला सभी एक्स है, नीचे वाला सभी वाई, तो ये है वाई वन, ये है वाई टू, ये है एक्स वन, ये है एक्स टू, ठीक है। मतलब हमें एक्स टू की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो टेबल बन चुका है, मतलब हमें यहां की वैल्यू निकालनी पड़ेगी एक्स, इसको सिर्फ एक्स मान लेते हैं, ठीक है। सॉल्व करने के लिए टेबल बन के तैयार हो गया, डब्बा में मिठाई पैक हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे सॉल्व करने के लिए, हम लिख सकते हैं फॉर्मेलिटी के तौर पे एक्स एंड वाई वैरी इनवर्सली, ठीक है, वैरी इनवर्सली। तसल्ली के लिए लिख ले रहे हैं कि इनवर्सली वैरी कर रहा है, ठीक है। तो हम लिखेंगे जब इनवर्सली वैरी कर रहा है तो एक्स और वाई बराबर होंगे, तो एक्स वन वाई वन इक्वल टू एक्स टू वाई टू, ठीक है। तो इसको हम लिख लेते हैं एक्स वन वाई वाई, एक्स वन की जगह है, सॉरी यही लिख लेते हैं, एक्स वन की जगह है 36, वाई वन की जगह है 7, एक्स टू की जगह है एक्स है, एक्स टू की जगह है, एक्स टू की जगह एक्स है, और वाई टू की जगह 42। सॉल्व करते हैं इसको, 36 का मल्टीप्लाई 7 के साथ करेंगे क्या हो जाएगा, अच्छा 42 को 2, 7 3 21, 4 25, ठीक है, 252 हो जाएगा, 252 इक्वल टू एक्स 42x, है ना, x इंटू 42 मतलब 42x। अब सॉल्व करते हैं x इक्वल टू 252 आया है, 252 इज डिवाइडेड बाय 42, ठीक है। करते हैं इसको सॉल्व, कितने कितने से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, तो 2 अंदर 2, 2 2 4, 2 6 12, ये हो गया, तो कह दूंगी 42, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, नीचे वाला 3 तो ऊपर से 3 से भी जाएगा, 3 4 12, 3 4 12, 3 2 6, 3 7 21, 7 6 42, ठीक है। आगे x इक्वल टू 6 आ गया है, 6 x इक्वल टू 6, मतलब हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 6 men will, 6 men will do the same work in 42 day। तो आ जाओ मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं और सॉल्व करते हैं। तो बोला गया है 12 पाइप्स ऑल ऑफ द सेम साइज फिल अ टैंक 42 मिनट, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल द सेम टैंक इफ 21 पाइप ऑफ द सेम साइज आर यूज्ड, ठीक है। क्वेश्चन का मतलब यह है कि 12 पाइप मिलकर जो है किसी टैंक को 42 मिनट में भर दे रहे हैं, ठीक है। अगर उसी टैंक को भरने के लिए हमें 21 पाइप का यूज किया जाए तो कितने मिनट में भरेगा, कितने मिनट में भरेगा, यही बताना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम, ये है इनवर्स वेरिएशन, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम यूनिटरी मेथड नहीं, इसमें अभी टेबल का यूज करना है, ठीक है। तो टेबल का यूज करना है तो टेबल का टेबल बना लेते हैं, पहले यहां लिख लेते हैं पाइप्स, ठीक है, पाइप्स को हम मान लेते हैं एक्स, ठीक है, और टाइम मतलब मिनट, ठीक है, कितना मिनट लग रहा है, टाइम को हम मान लेते हैं वाई, बना लेते हैं टेबल, ठीक है। तो कितने पाइप्स है, 12 पाइप्स है, टाइम कितना लग रहा है, 42 मिनट लग रहा है पहली बार में, ठीक है। अब इस बार क्या किया गया है, पाइप को बढ़ा दिया गया है, 12 के जगह कर दिया गया है 21, तो यहां मतलब ये जो है हमें निकालना है, ठीक है। तो इसको हम मान लेते हैं y, यही हमें निकालना है, ये y है, तो ये हम y मान लेते हैं, y हमें सॉल्व करना है,
वाई अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितना मिनट लगेगा, अगर 21 पाइप्स लगा दिए जाए तो उसी टैंक को भरने में कितना टाइम लगेगा। तो हम पढ़ रहे हैं इनवर्स वेरिएशन, तो फार्मूला कौन सा लगेगा, इनवर्स वेरिएशन वाला। इनवर्स वेरिएशन का फार्मूला क्या होता है, एक्स वन यहां लिख लेते हैं, एक्स वन वाई वन इक्वल टू एक्स टू वाई टू, ठीक है। तो एक्स वन कौन सा है, ऊपर वाला जितना है सब एक्स है, तो ये एक्स वन हो गया, ये एक्स टू हो गया, ये वाई वन हो गया, ये हो गया वाई टू, ठीक है। तो रख लेते हैं y2 की जगह y हम रख सकते हैं, तो x1 की जगह है 12 है इंटू y1 की जगह है 42, 12 इंटू 42 इक्वल टू x2 y2, x2 की जगह है 21, y2 की जगह है y, ठीक है। तो कर देते हैं इसको सॉल्व, ठीक है, 12 को 42 से मल्टीप्लाई करेंगे, या तो इसे सीधे से सॉल्व कर लेते हैं, ये y को सामने लेके आते हैं क्योंकि हमें y की वैल्यू निकालनी है, y के इक्वल है 12 इंटू 42 है और इसके इक्वल है 21, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, 21 टू जा 42 और यहां क्या बच रहा है, 12 इंटू 2 इक्वल टू 24। अब क्या है ये y, क्या है y, है टाइम, टाइम मतलब मिनट पूछा था ना कितने मिनट लगेगा, तो हमें बताना है, तो 24 मिनट्स लगेगा, ठीक है। तो आज मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं, ठीक है। तो बोला गया है इन अ फोर्ट 150 मेन हैड प्रोविजंस फॉर 45 डेज, आफ्टर 10 डे 25 मेन लेफ्ट द फोर्ट, हाउ लॉन्ग वुड द फूड लास्ट एट द सेम रेट, ठीक है। मतलब ये कि 150 आदमी का खाना जो है किले के अंदर 45 दिन के लिए बना है, ठीक है, और 45 दिन के लिए बना था लेकिन उस 10 दिन में ही जो है 25 आदमी जो है फोर्ट को छोड़ के चले जाते हैं, तब खाना कितने दिन चलेगा ये बताना है, ठीक है। तो हम ज्यादा कुछ जो है मैथमेटिशियन वाला दिमाग नहीं लगाएंगे, सीधे सीधे टेबल बना लेते हैं, ठीक है। टेबल बनाएंगे आसानी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो हम टेबल किस तरीके का बनाएंगे, आफ्टर 10 डेज वाला टेबल, तो यहां लिख देते हैं आफ्टर 10 डेज। तो आफ्टर 10 डेज वाला टेबल क्या होगा, पहले तो जो है यहां लिख लेते हैं मेन को मान लेते हैं एक्स, ठीक है, और डेज को हम मान लेते हैं वाई। अब बनाते हैं टेबल, ठीक है। यहां अब बनेगा टेबल, तो पहले 150 मैन थे, डेज कितना था, आफ्टर 10 डे हो रहा है ना, तो डे जो है 45 था, आफ्टर 10 डे मतलब 10 डे सब्ट्रैक्ट होगा हो जाएगा 35, डे कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, ठीक है। और 150 मैन थे, अब कितने मैन चले गए, 25 मैन लेफ्ट द फोर्ट, 25 लोग छोड़ दिए, तो पहले 150 थे तो 25 छोड़ दिए, तो कितना हो जाएगा 125, मतलब 125 आएगा, ठीक है। तो ये हो गया, और हमें बताना है कितना टाइम लगेगा, ठीक है, कितना टाइम चलेगा खाना, हाउ लॉन्ग वुड द फूड लास्ट एट द सेम रेट, यहां इसी को हमें निकालना है, ठीक है। ये y है तो इसको हम y मान लेते हैं, y को y1 है, ठीक है। ये ऊपर वाला जितना है x मतलब ये x1, ये x2 और ये y है तो इसको y1, ये y2, ठीक है। तो y2 मतलब y2 को हम y लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहां हम फार्मूला कौन सा लगाते हैं, हम फार्मूला यहां लगाएंगे इनवर्स वेरिएशन वाला। इनवर्स वेरिएशन वाला फार्मूला क्या होता है, होता है x1 into y1 equal to x2, x2 equal to y2. x1 क्या है, x1 है 150 into y1 क्या है, x1 y1 है 35 और x2 यहां क्या है,
125, और y2 क्या है, y2 मतलब y, अब हम क्या लिख सकते हैं 150, अब हम क्या लिख सकते हैं y की वैल्यू निकालनी है ना, तो y को सामने लेके आते हैं, y इक्वल टू 150 into 135, ठीक है, और 135 इज डिवाइडेड बाई 125, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे तो हो सकता है आंसर आ जाए, ठीक है, तो किससे किसे जाएगा, 5 to the 10, 5 to the 10, 5 5 25, चीज 25 5 150, ठीक है, 5 3 50, ये 30 आएगा पूरा कटेगा तो, ठीक है, और 5 25 7 5 35, ठीक है, अब ये 5 36, 3 बच्चा यहां 7, 6 बच्चा 7 बच्चा, y इक्वल टू ये 6 है इंटू 7, 6 से 42, 42 डेज चलेगा, ठीक है। तो आ जाओ मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं, सॉल्व करते हैं। तो बोला गया 72 men do a piece of work in 25 days. In how many days will 30 men do the same work? ठीक है, क्या बताना है, अगर 72 लोग मिलकर किसी काम को 25 दिन में करते हैं तो हमें यह बताना है अगर 30 मैन लगेंगे तो कितना टाइम लगेगा उसी काम को करने में, ठीक है, तो यहां आदमी कितने थे, 72 थे, तो समय जो है 25 दिन लग रहा था, यहां आदमी कम हो गए हैं, 72 गए हैं, 30 हो गए हैं, तो समय जो है ज्यादा लगेगा, 25 की जगह कितना हो जाएगा, समय ज्यादा लगेगा, 25 की जगह और बढ़ सकता है, ठीक है, ये वेरिएशन होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन एक्सरसाइज 10B में जितने भी क्वेश्चन है सभी को जो है टेबल बना के ही सॉल्व करना है, इसके बाद जो 10B के बाद 10C वाला जो एक्सरसाइज आएगा उसमें जो है हम कौन सा यूनिटरी मेथड लगाएंगे, ठीक है, तो सॉल्व करते हैं, टेबल बनाते हैं, तो यहां हम लिख लेते हैं मैन को हम मान लेते हैं एक्स, ठीक है, और डे मतलब टाइम लग रहा है, डे को हम मान लेते हैं वाई, ठीक है, और सब कुछ अब हो जाएगा आसान, टेबल बनाते ही सब कुछ आसान, ठीक है, तो मैन है कितने, 72 मैन है, और डे कितना लग रहा है, 72 आदमी पे 25 दिन लग रहा है, ठीक है, 30 आदमी पे कितना दिन लगेगा, ठीक है, यही हमें बताना है, वाई मतलब वाई की वैल्यू निकालनी है ना, जो एक्स है तो ये एक्स वन है, ये वाई वन है, नहीं नहीं एक्स वन है, ये एक्स टू है, ये वाई है तो ये वाई वन है, ये है वाई टू, वाई टू की जगह हम क्या रख सकते हैं, वाई रख सकते हैं, और फार्मूला में आकार कौन सा लगाएंगे, इनवर्स वेरिएशन वाला फार्मूला, इनवर्स वेरिएशन वाला फार्मूला क्या है, एक्स वन वाई वन इक्वल टू एक्स टू वाई टू, है ना, यही है, तो वही फार्मूला लगाते हैं, एक्स वन वाई वन इक्वल टू एक्स टू वाई टू, एक्स वन की जगह है 72, वाई वन की जगह है 25, 25 इक्वल टू एक्स टू की जगह है 30, और वाई टू की जगह हम वाई रख सकते हैं, हमें यही निकालना है कितना डे लगेगा, ठीक है, अगर 25 72 की जगह 30 आदमी कर दिए जाए तो कितना डे लगेगा, यही हमें बताना है, ठीक है, वाई की वैल्यू हम सॉल्व कर लेंगे आ जाएगा आंसर, तो वाई को लेके आते हैं सामने, तो क्या हो जाएगा, वाई के इक्वल है 72 into 25 है, तो इसके इक्वल है 30, ठीक है, अब सॉल्व करते हैं, टेन थ्री जा 30, 20 सॉरी 10 3 30, 3 2 6, 3 4 12, 3 2 6 3 4 6 1 3 4 12, सही है, सही, और 5 2 10, 5 2 10, 5 5 25, ये हो गया,
अभी इसको सॉल्व करेंगे 12 to the 24, ये हो गया y इक्वल टू 60 डेज। तो कितना दिन लगेगा, 60 डे लगेगा अगर वर्कर को कम कर दिया गया तो। ठीक, तो आ जाओ मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं, सॉल्व करते हैं। तो बोलेगा इफ 56 वर्कर कैन बिल्ड अ वॉल इन 180 आवर, हाउ मेनी वर्कर विल बी रिक्वायर्ड टू डू द सेम वर्क इन 70 आवर। इसने पूछा है कि 56 वर्कर मिलकर किसी काम को 180 घंटे में कर दे रहे हैं, तो हमें यह बताओ कि 70 घंटे में किसी काम को कराने के लिए कितने वर्कर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, 156 वर्कर की जगह कितने वर्कर लगा दिए जाएं कि 70 घंटे में काम हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, टेबल बनाते हैं, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो यहां हम लिख सकते हैं वर्कर को हम मान लेते हैं एक्स। ठीक है, यहां लिख देते हैं टाइम मतलब आवर, घंटा। ठीक है, वाई, अब टेबल बन जाएगा, आसानी से हो जाएगा सॉल्व। ठीक है, क्योंकि इस एक्सरसाइज में हर जगह टेबल बना के ही सॉल्व करना है। ठीक है, यूनिटरी मेथड अगले एक्सरसाइज में 10C में लगेगा। ठीक है, तो वर्कर कितने हैं, पहली बार में 56 वर्कर है, काम कितने कर रहे हैं 180 आवर में। ठीक है, अब यह पूछा है कि 70 घंटे में काम कराना है, 70 आवर में काम कराना है, तो यहां कितने वर्कर की जरूरत पड़ेगी, मतलब इसको हम मान लेते हैं x, ये x है, तो उसके सामने सभी x रहेंगे, ये x है, ये x1 रहेगा, ये x2 रहेगा, x2 की जगह हम x मान सकते हैं, ये y है तो y1, ये y2। ठीक है, चलिए, तो फार्मूला वही वाला लगेगा, इनवर्स वेरिएशन वाला, x1 y1 इक्वल टू x2 y2, है ना। तो x1 की जगह क्या है, 56 है, y1 की जगह 180, ठीक है, इक्वल टू x2 की जगह है x है, y2 की जगह है 70, तो x की वैल्यू हमें निकालनी है, मतलब इसको निकालना है। ठीक है, तो इसको सामने लेके आते हैं, सामने लेके आएंगे क्या हो जाएगा, इसके x इक्वल टू क्या है, 56 इंटू 180 है, और इसके इक्वल क्या है, 70 है। ठीक है, इसको करते हैं सॉल्व। ठीक है, हो गया इस जीरो इससे कट जाएगा, और 7 8 56 18 8 44। ठीक है, x इक्वल टू 144 आर। ठीक है, तो ये होगा x की वैल्यू। तो आ जाओ मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन को पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो बोला गया है A car takes 6 hours to reach a destination by traveling at the speed of 50 km per hour. How long will it take when the car traveling at the speed of 75 km per hour? तो हमें बताना है कोई कार है वो जो है कितने 50 km per hour की स्पीड से चल रही है, तो 6 घंटा लग रहा है पहुंचने में। अगर वही कार 75 किलोमीटर पर स्पीड से चलेगी तब कितना घंटा लगेगा, ये बताना है। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में जो है हमें टेबल बना के ही सॉल्व करना है, तो टेबल बनाते हैं और सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये है टाइम को मान लेते हैं एक्स, और इसको मान लेते हैं स्पीड को मान लेते हैं वाई। ठीक है, टाइम और स्पीड, टाइम क्या है, टाइम है 6 आवर, और स्पीड क्या है 50 किलोमीटर पर आवर। अब और स्पीड को अगर बढ़ा के 75 किलोमीटर पर आवर कर दिया जा रहा है, तब कितना टाइम लगेगा, मतलब यहां x की वैल्यू क्या होगी। तो ये x है, तो ये x1, ये y1, x1, ये x2, ये y है, तो y1, ये y2 मान सकते हैं। ठीक है, x2 की जगह हम x मान सकते हैं। ठीक है, x2 की जगह हम क्या मान सकते हैं, x। तो फार्मूला वही लगेगा, इनवर्स वेरिएशन वाला, क्या होगा x1 y1 इक्वल टू x2 y2।
ठीक है, x1 की जगह है 6, y1 की जगह है 50 और x2 की जगह है x, x2 की जगह हम yx माने हैं और y2 की जगह है 75। अब करते हैं इसको सॉल्व, हमें इसी की वैल्यू निकालनी है, हमें निकल जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि कितना हार लगेगा। ठीक है, तो हम x को सामने लेके आते हैं, x को सामने लेके आते हैं तो x के सामने है 6 into 50। ठीक है, ये है इसके सामने 75। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 25 से कटेगा, 25 तीन 75, 25 थ्री 75, 25 दून 50, 25 टू 50। ठीक है, 3 टू 6 और 3 ये 2 है, 2 है, x इक्वल टू 2 into 2, x इक्वल टू 2 into 2 इक्वल टू 4। ठीक है, तो क्या लगेगा, x इक्वल टू 4 हार। ठीक है, तो ये इसका आंसर देख लीजिए।